अखिलेश के समाजवादी खेमे में बगावत का ऐसा तूफान उठा है जिसने साइकिल के पुर्जे अलग करने शुरू कर दिए हैं। ये बगावत का वो बुलडोजर है जो अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि आजम खान के समर्थन में इस्तीफों की लाइन लग गई है। आज भी दो इस्तीफे हुए, दोनों ही नेता आजम खान के समर्थक हैं। आजम खान ऐसे नेता हैं जो अगर सपा छोड़कर चले गए तो समाजवादी पार्टी की नींव हिल जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस वोट बैंक पर पकड़ रखती है, आजम उसके सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। और आजम के समर्थकों के इस्तीफे ये संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही रामपुर से सबसे बड़ी खबर आने वाली है। सपा में बढ़ने लगी बगावत वाली आग। चुनाव में लगातार हार, अखिलेश से अपनों की तकरार। समाजवाद की साइकिल पर घरेलू बुलडोजर। रामपुर से निकले शोले, अखिलेश पर जुबानी गोले। शिव तांडव का क्लाइमेक्स बाकी, मुस्लिम नेताओं की बगावत वाली झांकी। चौबीस में चुनौती वाला संदेश, अब क्या करेंगे अखिलेश? सलमान खान ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है, दो महीने पहले क्यों नहीं हुई? मुलायम के हाथ से निकली बात छूटता जा रहा अपनों का साथ। तक माननीय मुलायम सिंह यादव थे, तब तक समाजवादी थे। आज असली समाजवाद मोदी के पास है, योगी के पास है। बगावत के बुलडोजर से पुर्जा पुर्जा साइकिल। मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी बनाई थी, तब से पार्टी ने सिर्फ ऊंचाइयां देखी, लेकिन जब अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष बने, तब से सिर्फ और सिर्फ हार का स्वाद ही चखा। 2016 में जब फूट पड़ी, तब भी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ था और एक बार फिर वैसी ही स्थिति नजर आ रही थी। फर्क इतना है कि तब शिवपाल के साथ कई वरिष्ठ नेता खफा थे और इस बार मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी तेज कर दी। इस गोलबंदी के केंद्र में आजम खान है, जो कभी भी बड़ा फैसला ले सकते। तीस साल पुरानी समाजवादी पार्टी इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही सपा का वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ गई हों, लेकिन जिनकी बदौलत सपा की साइकिल रफ्तार भरती थी, वही पुर्जे अब एक एक कर अलग होते जा रहे हैं। बगावत वाले चैप्टर में नया नाम जुड़ा, मोहम्मद इरशाद खान का। दरअसल सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे इरशाद खान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। इरशाद खान ने कहा कि मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन उसे सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं मिल पाई। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ऐसे में मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से लामबंदी की जाएगी। ये रवैया उत्तर प्रदेश के मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये फड़वा रखा हुआ है, समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने का काम उत्तर प्रदेश के मुसलमान करेंगे। जितने भी मुस्लिम नेता सपा का साथ छोड़ रहे हैं, सबका निशाना सीधे अखिलेश यादव पर है। और बगावत की ये चिंगारी लगी थी रामपुर के सपा दफ्तर से, जहां आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने अखिलेश पर चुभने वाले हमले किए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अखिलेश नहीं चाहते कि
कि आजम खान जेल से बाहर निकले। क्या ये मान लिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, क्या अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते क्या क्या ये मान लिया था। रामपुर से निकली बगावत वाली आवाज में पहले सुल्तानपुर के सलमान रायन ने समर्थन दिया और उसके बाद दो बार के विधायक रहे इरशाद खान ने भी आवाज बुलंद कर दी। ये झटके अभी थमे नहीं थे कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुदादाद खान ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और सपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हर मुस्लिम नेता की शिकायत सिर्फ एक है, अखिलेश मुस्लिमों की आवाज नहीं उठा रहे। एक पार्टी में एक नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप, नेता भी आप, मुख्यमंत्री भी आप, नेता सदन भी आप। हमारी ये एक कोशिश थी कि शायद हो सकता है कि आजम साहब को ये नेता सदन बनाए, लेकिन नेता सदन बनाना तो दूर की बात, आपने नेता सदन होने में सदन में उनका एक बार नाम भी नहीं लिया। सपा के मुस्लिम नेताओं के दफ्तर में तीन नेताओं की तस्वीर जरूर देखी जाती है, पहली मुलायम सिंह यादव की, दूसरी अखिलेश यादव की और तीसरी आजम खान की। लेकिन अब कुछ मुस्लिम नेता अपने दफ्तर से अखिलेश की तस्वीर उतारने लगे हैं। उन्हें मुलायम से तो पूरी हमदर्दी है, लेकिन अखिलेश की रणनीति पर एतबार नहीं हो रहा। देखिए भाई, फावड़ा भी रखा हुआ है और अखिलेश यादव की फोटो भी उतार दी है, लेकिन नेताजी और आजम खान साहब की फोटो लगी हुई है, तो इतना पुराना रिश्ता था आपका समाजवादी पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी में बहुत पुराना सदस्य हूँ, नेताजी के टाइम से सदस्य था, फिर बाद में मैं बसपा में चला गया था। बसपा में मैं दो बार सरोजनी नगर से एमएलए रहा और एमएलए रहने के बाद मैं फिर समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव जी ने जब बुलाया तो मैं फिर समाजवादी पार्टी में आ गया और उन्होंने टिकट भी मुझको नहीं दिया 22 के चुनाव में। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था, मैं बांगर में उसे टिकट मांग रहा था, वहीं से मैं लड़ भी चुका हूँ, तो वहाँ ऐसे आदमी को टिकट दिया जो खाली एक्सप्रेस वे पे खड़े होके ऊपर उनके आने जाने पे झंडा हिलाता। बगावत की आवाज उठाने वाले ये वही इरशाद खान हैं जिनके घर कुछ दिन पहले शादी समारोह था और अखिलेश यादव भी शरीक हुए थे। इससे पता चलता है कि इरशाद सपा के कितने बड़े नेता थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक बहा दिया। अगर आजम खान साहब की इज्जत समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकती तो उत्तर प्रदेश के आम मुसलमानों को न्याय मिलने की उम्मीद अब मुसलमानों को बची नहीं है। मुसलमान अखिलेश यादव से अपना मोह भंग कर चुके हैं और उन पर से अपना भरोसा उठा चुके हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जिनके नसीब में मुख्यमंत्री का पद तो रहा, लेकिन अपनी बदौलत वो पार्टी को अब तक जीत नहीं दिला पाए। चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 का, चाहे 2019 का या चाहे 2022 का, बैक टू बैक अखिलेश चुनाव हार रहे हैं और अब पार्टी के गिरते एक एक स्तंभ उनकी चुनौती को और बड़ा कर रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।